आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। तमसा नदी के किनारे पर बसा यह जिला कई सारे महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। आज के समय में यह जिला अपने अंदर कई सारे राज्य है छिपाए बैठा है। इन जिले ने कई सारे राजाओं के रियासतों के उत्थान व पतन की गवाही भी दी है। आजमगढ़ के दक्षिण भाग की ओर बहती है घाघरा नदी। आजमगढ़ जिला होने के साथ साथ एक मंडल भी है और मऊ बलिया आजमगढ़ मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। इस जिले की स्थापना शाहजहां के शासनकाल में 1665 ईस्वी के दौरान विक्रमजीत के बेटे आजम ने की थी। विक्रमजीत राजपूतों के वंशज थे जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया था। दोस्तों, अगर सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर यूपी 50 लिखा हो तो आप समझ जाइए कि आप जो है आजमगढ़ जिला में दाखिल हो चुके हैं। ये आजमगढ़ वही आजमगढ़ जिला है जहां पर गांधी जी के एक आश्वासन पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अतरौला खंड के रामचरित सिंह व उनके इकलौते नाबालिग बेटे ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी, जिसमें उन्होंने गोलियां भी खाई थी। पिता और पुत्र का यह देश के प्रति सम्मान की कहानी आज भी आजमगढ़ जिला के लोग गाते हैं। आजमगढ़ जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है घिरा हुआ है, जिसमें मऊ जिला, गोरखपुर जिला, गाजीपुर जिला, जौनपुर जिला, सुल्तानपुर जिला और अम्बेडकर नगर जिला है। लगभग 4054 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले आजमगढ़ जिला की जो कुल आबादी है वो 46,12,000 है। इस 46,12,000 में पुरुषों की जो कुल आबादी है वो 46,00,000 में 22,00,000 जो है वो पुरुष हैं और 23,00,000 जो है वो महिलाएं मौजूद हैं। अगर यातायात की बात करें तो आजमगढ़ जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सड़क मार्ग। दोस्तों, आजमगढ़ का आजमगढ़ बस डिपो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े बस डिपो में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों के साथ साथ बिहार व दिल्ली तक जो है बसें नियमित संचालित करता है। इस जिले में अब पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनकर तैयार हो गया है, जो कि लखनऊ को बलिया से जोड़ता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 233 इस आजमगढ़ जिला से होकर गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के साथ मिलती है। नंबर दो, रेल मार्ग। दोस्तों, आजमगढ़ जिले का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म तथा 4 पटरी मौजूद है। इसका स्टेशन कोड AMH है और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ रेलवे जोन के वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। गोदान एक्सप्रेस, ताप्ती एक्सप्रेस, आजमगढ़ एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो है वो इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से गुजरती हैं। नंबर तीन, वायु मार्ग। दोस्तों, आजमगढ़ में एक एयरपोर्ट अभी बन रहा है, लेकिन यहाँ का सबसे नजदीक में जो एयरपोर्ट स्थित है वो गोरखपुर का है। दोस्तों, घाघरा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से 277 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 826 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आजमगढ़ जिला अपने खूबसूरत जगहों के लिए जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक जो है घूम कर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास पर्यटक स्थल है जिसके बिना जो है वो आजमगढ़ जिला की जो खूबसूरती है वो अधूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, मुबारकपुर। दोस्तों, मुबारकपुर जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले इसे कशीमाबाद के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया, इस जगह को दोबारा राजा मुबारक खान ने बनवाया था, जो यहाँ पर बनारसी साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन बनारसी साड़ियों का निर्माण जो है वो पूरे भारत में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ठाकुर जी का मंदिर भी है और राजा साहेब का एक प्रसिद्ध मस्जिद भी है। नंबर दो, मेहनगर। यह जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध किला भी है जिसका निर्माण राजा हरिवरन ने किया था। इस किले में एक स्मारक व एक सरोवर भी है जो काफी प्रसिद्ध है। इस सरोवर को मलिदास सरोवर के नाम से जाना जाता है।
प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है। नंबर 3, दुर्वासा। दोस्तों यह स्थान फूलपुर तहसील से मुख्यालय से जो है वो 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह यहाँ पर स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है यहाँ पर काफी बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। नंबर 4, अवंतिकापुरी। दोस्तों मुहम्मदपुर स्थित अवंतिकापुरी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जनमेय ने एक बार पृथ्वी पर जितने भी सांप हैं उन्हें मारने के लिए एक यज्ञ कराया था। यह मंदिर सरोवर भी के बीच में स्थित है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। सरोवर में डुबकी लगाने के लिए काफी भारी मात्रा में लोग जो हैं वो इस अवंतिकापुरी में आते हैं। नंबर 5, भंवरनाथ मंदिर। यह मंदिर आजमगढ़ जिले के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। भंवरनाथ मंदिर शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 10 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगती है। नंबर 6, निजामाबाद। दोस्तों जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है निजामाबाद। यह स्थान मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह स्थान अरियोज जैसे महान साहित्यकार का जन्मस्थल भी रहा है। दोस्तों इसके अलावा आजमगढ़ जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों आजमगढ़ जिला जो है वो 8 तहसीलों में बटा हुआ है, जिसमें सदर, शगड़ी, लालगंज, मेहनगर, मार्टिनगंज, बुढ़नपुर, फूलपुर और निजामाबाद। इसके अलावा 13 नगर पालिका, 4 मुख्य अस्पताल, 26 पुलिस स्टेशन और 4101 गांव जो है वो आजमगढ़ जिला में मौजूद हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो आजमगढ़ जिला में कई ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जिसकी बुनियाद शैक्षिक संस्थानों से लेकर उच्च स्थान तक शामिल है। यहाँ पर कई ITI व पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज भी मौजूद हैं। इसकी जो साक्षरता दर है वो 70% है, यानी कि आजमगढ़ जिला में 70% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। यहाँ का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज इस आजमगढ़ ज़िला में मौजूद हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इस ज़िले में 84% हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा 15% जो है वो मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर महान व्यक्तियों की बात करें तो आजमगढ़ ज़िले के कुछ महान व्यक्तियों में शेख सलीम अहमद, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर, इसके अलावा अबू आजमी, जो कि महाराष्ट्र के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कैफी आजमी, जो कि मशहूर कवि थे, प्रेमचंद्र पांडे वैज्ञानिक, श्याम नारायण पांडे लेखक व कवि, इसके अलावा मजरूह सुल्तानपुरी, जो कि उर्दू के मशहूर शायर थे, वो इस आजमगढ़ ज़िला में जन्म लिए थे। दोस्तों इसके अलावा इस जिला जो है वो वीरों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों आजमगढ़ ज़िला के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।